ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं सही 7.3 क्वेश्चन नंबर 6। आर इन जर्नी ऑफ 75 किलोमीटर कॉस्ट इज 350। हाउ मच विल अ जर्नी ऑफ 220 किलोमीटर कॉस्ट? बेटा एक रेल जर्नी है 75 किलोमीटर और कॉस्ट कितनी है 350। तो 75 किलोमीटर जर्नी कॉस्ट 350 में आपको फाइंड करना है 1 किलोमीटर जर्नी कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, तो सपोज दैट एक एग्जांपल देते हैं आपको 5 रुपीज, मतलब 5 मैंगो की कास्ट या 5 चॉकलेट की कास्ट 10 रुपीज। हमने बोला 5 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज है और आपको बताना है 1 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, 1 चॉकलेट की कॉस्ट बतानी कितनी होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? 10 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा 2 होगा। जैसे हमने आपसे बोला कि 5 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज, अब बताइए 1 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे? 10 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 2 आएगा, ये 2 जो होगी 1 चॉकलेट की कॉस्ट होगी। सेम यहां भी फाइंड आउट करना है, एक रेल जर्नी है 75 किलोमीटर की, कॉस्ट कितनी है 350 है। अब आपको 1 किलोमीटर की कॉस्ट फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, 350 को 75 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसी कॉस्ट आएगी 1 किलोमीटर जर्नी की कॉस्ट आएगी। चलो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब यहां देखते हैं, देखेंगे द कॉस्ट ऑफ 75 किलोमीटर जर्नी इज इक्वल टू रुपीज 350। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 किलोमीटर जर्नी की कॉस्ट फाइंड करनी है। सो द कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर जर्नी क्या करेंगे, इसी को डिवाइड करेंगे 350 अपॉन 75। ठीक है, अब यहां देख पा रहे हैं दोनों नंबर आपको कॉमन नंबर है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, इसकी 5 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं। चलो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 से 91 कैरी करेंगे 50 होगा, 3 5 से 50, इसको 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 15 5 से 75 होगा। फिर देखिए 63 हो गया, 15 हो गया, क्या डिवाइड होगा 3 से, अब कोर्स अब यहां डिवाइड करेंगे 3 से 3 से 63 1 जा 3 और ये हो जाएगा 5 से 15, ये हो गया 21/5 ना 21/5। यहां पर आपका आया है 1 किलोमीटर जर्नी की जो कॉस्ट होगी वो 21/5 रुपीज में आएगी। ये तो हो गई हमारी 1 किलोमीटर जर्नी का, हमने फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ 120 किलोमीटर जर्नी। लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 120 किलोमीटर जर्नी कितनी कॉस्ट होगी, अब इसी को हम क्या करते हैं, 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 मल्टीप्लाई बाय 21/5, मतलब 1 किलोमीटर की जो कॉस्ट आई है उसको क्या करेंगे 120 किलोमीटर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, 5 × 5, अब यहां देखते हैं 1 से सिंपलीफाई करना तो 24/5 कितना होता है, 24/5 से अगर हमने 20 को इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 24 × 21 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 24 का, ठीक है, 2 कैरी होगा 24 + 48 + 2 = 50 हो जाएगा, 504 रुपीज की कॉस्ट है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मुझे फिर से रिपीट करना है। बताइए बेटा समझ में आया क्वेश्चन? अगर 75 किलोमीटर जर्नी की कॉस्ट 350 रुपीज है, अब देखिए फाइंड आउट करिए 1 किलोमीटर जर्नी की कॉस्ट कितनी होगी, रीच करें इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर्स 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्रेन
कबर, अ ट्रेन कबर, 250 कबर, 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स। कोई ट्रेन है 5 घंटे में कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 250 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। आपको बताना है हाउ मेनी किलोमीटर विल इट कवर इन 9 आवर्स। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट कवर, किलोमीटर विल इट कवर इन 9 आवर्स, इन 9 आवर्स। पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। अ ट्रेन कवर्स 220 किलोमीटर, 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स। कोई ट्रेन है बेटा वो 5 घंटे में 250 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। फिर आपको बताना है कि 9 घंटे में वही ट्रेन कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो इसको हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 250 किलोमीटर 5 आवर्स में जब ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, स्पीड फाइंड आउट करते हैं। जब स्पीड फाइंड आउट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड, जो भी करना होगा देखते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम वाले फार्मूले से। यहां देखना है डिस्टेंस कितनी दी गई है, ट्रेन कवर्स 250 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हमको पता है। डिस्टेंस कितनी है इसकी जो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 250 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हमको गिवन है। और देखिए यहां पर टाइम 250 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको 5 आवर्स लगता है, यहां पर टाइम दिया गया है। टाइम कितनी है, 5 आवर्स है। अब हमें यहां पर स्पीड फाइंड आउट करना है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितनी है इसकी, 250 है, 250 अपॉन 5, डिवाइड करेंगे 5 5 25, ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड होगी। अब आपको बताना है कि हाउ मेनी किलोमीटर विल इट कवर इन 9 आवर्स। अब देखिए टाइम इंक्रीज हुआ है, 9 आवर्स हो गया है। 9 आवर्स में कितने स्पीड ट्रेवल, कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी आपको फाइंड आउट करना, मींस डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब देखिए स्पीड हमको पता चल गई, अब फिर टाइम दिया है आपको 9 आवर्स, कि 9 आवर्स में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब फिर देखिए यहां पर टाइम गिवेन है ना, टाइम इज इक्वल टू नाउ, यहां लिखेंगे नाउ टाइम इज इक्वल टू, अब देखिए टाइम कितनी है, 9 आवर्स है, 9 आवर्स। देन अब फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी किलोमीटर, तो किलोमीटर किसकी यूनिट, डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दी गई, अभी आपने फाइंड आउट किया 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 50 इनटू, अब टाइम देखिए, अब नाउ अब टाइम कितनी है, 9 आवर्स है। तो टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर होगा 9 और 5 9 45, और यहां पर 0 ऐसे बगल में लिख देंगे हम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा 9 आवर्स में, 450 किलोमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग होमवर्क में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 बुक से अपनी कॉपी में नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 हम बताने चल रहे हैं। रेज कर दें इसको, गुड, समझ में आया। बेटा किसी कुछ पूछना है इसमें, नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना आप लोग। क्वेश्चन हम लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अ मैन वर्किंग 8 आवर्स डे
अ डे टेक्स 6 days टू कंप्लीट आवर वर्क हाउ मेनी आवर्स अ डे मस्ट टू कंप्लीट द वर्क इन 16 days. सॉल्व करते हैं इसको हम लोग. ठीक है, अ मैन वर्किंग 8 hours अ डे टेक 6 days टू कंप्लीट अ वर्क. ठीक है, कोई आदमी है एक दिन में 8 घंटे काम करता है और काम को कंप्लीट करने में उसको 6 दिन लग जाते हैं. ठीक है, एक दिन में 8 ही घंटे काम करता है लेकिन 6 दिन में उस काम को कंप्लीट करता है. हाउ मेनी आवर्स अ डे मस्ट टू कंप्लीट द वर्क इन 16 days. अगर 16 दिन में काम करेगा ठीक है तो कितने घंटे उसको पर डे काम करना पड़ेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है. चलो देखते हैं, ये आपका जो फार्मूला है उसे हम सॉल्व कर लेंगे. इसको यहां देखिए, आवर्स दिया गया है और डेज दिया गया है, तो हम लिखेंगे H1 into D1 is equal to S2 into D2. यहां H1 क्या है, जो आवर्स दिया गया है ना, यहां 8 hours, तो हो जाएगा 8 और D1 दिया गया है यहां पर कितना है, 6 है. और फिर देखिए S2 नहीं दिया गया, आवर्स फाइंड करना है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, आज टीच करते हैं, इनटू 16 दिया गया है इनटू 16. D2 की वैल्यू कितनी है, 16 है इनटू 16. अब हमें फाइंड क्या करना है, S2 फाइंड करना है. देखिए 16 इधर मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करेंगे तो किसमें आएगा, इधर डिवाइड में आएगा. ठीक है, तो डिवाइड में करेंगे इसको, देन S2 इज इक्वल टू 8 इनटू 6, ऐसे ही रहेगा 8 इनटू 6, और 16 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो नीचे डिवाइड में हो जाएगा. 8 1 8 8 2 16, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2 3 2 6, तो S2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर 3 आएगी, 3 hours आएगी. ठीक है, ये आंसर होगा. इस फॉर्मूले से आप लोग सॉल्व करेंगे. ठीक, बिल्कुल इजी रहेगा. ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में इतना ही रहेगा. क्वेश्चन नंबर 8 और 10 आपका होमवर्क रहेगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और 10 आपका होमवर्क रहेगा. ओके, तो आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू वेरी मच.